कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए थे। उम्मीद करते हैं कि उसके जो मैंने आंसर्स तुम लोगों को दिए थे मार्क करके, उसमें तुमने कुछ गड़बड़ी नहीं की है, ठीक है? वो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे आंसर्स निकल कर आ चुके हैं, ठीक है? और अगर नहीं आए हैं तो तुमने डाउट भेजना चाहिए था, लेट्स से। अच्छा, आगे ये बढ़ते हैं फिर। अभी हम लोग, हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल टॉपिक है। नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस। बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस की यहाँ पे बातचीत की जाने वाली है। आर्टिफिशियल मतलब, अभी जैसे जो पुरानी क्लास थी, पुरानी क्लास में आपने इतना तो पढ़ लिया था कि आपको ये पता है कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो, या फिर जिसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, वो अपने आप अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, है ना, गामा पार्टिकल, वो क्या करता है, एमिट आउट करता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो सिमिलरली ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के एमिशंस कर सकते हैं, बट नॉट नेचुरली, दे नीड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। उन्हें किसी ना किसी प्रकार की एक्सटर्नल एजेंट की नीड होती है, मदद चाहिए होती है, ठीक है? ऐसे में जब आप उनको एक्सटर्नल एजेंट देते हो, तब जाकर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बड़े मज़े से वो लोग भी क्या करते हैं, एमिशंस करते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। अदरवाइज़ वो लोग मस्त पड़े हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अपनी खुशी खुशी वो लोग रह रहे हैं। लेकिन जब आप उन्हें हिट करते हो किसी दूसरे, ठीक है, टाइप के सब्सटेंस से या किसी दूसरी चीज़ से, तब आप ये कहते हो कि हाँ करके अब जाके यहाँ पे रिएक्शन हुई। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ बेरिलियम की, हम लोगों ने इस बेरिलियम नामक चीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ कर रखा है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की तुमने वेरियस डेवलपमेंट वाली चीज़ें पढ़ी होंगी ना? अच्छा, तो वो जो वेरियस डेवलपमेंट स्टेजेस थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, हर लोग अपने अपने मॉडल प्रपोज कर रहे थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी थी कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। फिर बाद में एक्चुअली में खोज कर करके आए न्यूट्रॉन्स की, मतलब बाद में खोज हुई बेसिकली किसकी, न्यूक्लियस की। तो जिस दौरान न्यूक्लियस की खोज हुई, ठीक है, उसके बाद फिर न्यूट्रॉन्स, ऑब्वियसली पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूक्लियस के अंदर में सिर्फ प्रोटॉन्स रहते हैं, बाद में पता चला कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स नहीं, प्रोटॉन के साथ अनचार्ज्ड स्पीशीज भी रहती है, और वो कौन है, आप लोगों की न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूट्रॉन्स की खोज हुई, वो अभी मैं जो इक्वेशन लिखने जा रही हूँ, ये इक्वेशन मैंने आपको उस ज़माने में उस वक्त भी बताई है जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो उसमें न्यूट्रॉन्स की खोज आखिर हुई कैसे, तो एक बेरिलियम की थिन शीट थी, ठीक है, हैविंग एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास 9, इसको बेसिकली अल्फा पार्टिकल से बोम्बार्ड किया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बोम्बार्ड? बोम्बार्ड का मतलब है कि अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, लेट्स से एक दीवार है ना, और एक ऑटोमेटिक बॉल को थ्रो करने वाली मशीन है, जो कि यूजुअली जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेला जाता है, सिखाया जाता है, उन लोगों के प्रैक्टिस के लिए एक ऐसी मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली बॉल को फेंकती है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, राइट, वगैरह वगैरह। तो ऐसी मान लेते हैं मेरे पास एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी बॉल्स फिट करके रखी है, और मैंने मशीन को ऑन कर दिया, और बॉल कंटिन्यूसली उस दीवार पे हिट कर रही है एक ही स्पॉट पर, बार 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 बार। दिस इज बेसिकली नोन एज बोम्बार्डमेंट, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोम्बार्डमेंट कहते हैं। ये कौन होता है, बोम्बार्डमेंट होती है, आप बोम्बार्डमेंट करते हो। तो जब भी हम कोई आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो उनके न्यूक्लियाई होते हैं, जो डॉटर बनानी है, तो डॉटर के लिए कोई ना कोई पेरेंट न्यूक्लियाई तो लेना पड़ेगा ना, तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिट आउट नहीं करता जब आप इन्हें बोम्बार्ड करते हो किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे स्पीशीज के साथ, तो उसके रिटर्न में ये डॉटर भी बनाता है, और उसके रिटर्न में फिर ये आप लोगों को कुछ अल्फा बीटा गामा वगैरह को निकाल कर भी बाहर देता होगा, बट अपने आप नहीं करता। तो वैसे ही अगर मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास बेरिलियम है, अगर इस बेरिलियम को हमने अल्फा पार्टिकल्स के साथ बोम्बार्ड किया, यू नो व्हाट आई मीन बाय द नेम ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब ये होता है बेसिकली,
तो बोम्बार्डमेंट करने के बाद जो चीज बनती है उस बनी हुई चीज को हम कहते हैं कार्बन, और साथ ही में वहां पे क्या निकलता है, एक पार्टिकल बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज आप लोगों का न्यूट्रॉन, है ना। और उस दौरान जो एक पार्टिकल बाहर निकलता है उस पर्टिकुलर पार्टिकल को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। और यही वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट था जिसके वाया, ठीक है, जिसके वाया आप लोगों के न्यूट्रॉन्स की खोज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुई थी, है ना। इसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉन बाहर निकला, तो इसको मैंने आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि जब तक आप बोम्बार्ड नहीं कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट बोम्बार्डिंग, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट बोम्बार्डिंग, पार्टिकल बाहर नहीं आ रहा है, कुछ नया डॉटर बन नहीं रहा है, सो देयरफॉर दिस इज नोन एज बेसिकली आप लोगों का आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। और जिसको आप बोम्बार्ड करते हो, इस बोम्बार्ड करने वाले चीज को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, इस बोम्बार्ड करने वाली चीज को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अल्फा पार्टिकल की ही बोम्बार्डमेंट कराओगे, आप हाइड्रोजन की बोम्बार्डमेंट करा सकते हो, ड्यूटेरियम की करा सकते हो, ट्रीटियम की करा सकते हो, नाइट्रोजन की करा सकते हो, जिसकी भी बोम्बार्डमेंट करानी है करा लो, ठीक है। इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। और ये जो बाहर निकलता है इसके बारे में तो खैर आप जानते हो, इसे कहते हैं हम लोग एमिटेड पार्टिकल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमिटेड पार्टिकल, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एमिटेड पार्टिकल। और क्योंकि इसमें मुझको बोम्बार्डमेंट कराने की नीड पड़ी, सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज आपका आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। खैर, अब न्यूक्लियर रिएक्शन आर्टिफिशियल हो कि चाहे आप लोगों की न्यूक्लियर रिएक्शन नेचुरल हो, हम लोगों को पढ़ना तो न्यूक्लियर रिएक्शन ही था। अब अगर मैं आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करूं, सिर्फ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन में दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपके सामने कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी है, नॉट आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल भी हो सकती है, बट हमारी क्लास में आज हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो पहला आपको पढ़ना है क्या, उनकी रिप्रेजेंटेशन, कि आखिर उन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनको लिखने का तरीका कैसा होता है। तो लिखने का तरीका ऐसा होता है कि आप पहले लिखते हो पेरेंट न्यूक्लियाई PN के बारे में, फिर आप ब्रैकेट देते हो, फिर आप लिखते हो डॉटर न्यूक्लियाई के बारे में, कि मतलब कौन सी डॉटर न्यूक्लियाई बनी। अच्छा, पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई, इन दोनों के बीच में जो ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट को खाली नहीं रखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर प्रोजेक्टाइल के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, और एमिटेड पार्टिकल, ठीक है, एमिटेड पार्टिकल के बारे में लिखा जाता है। जैसे ऊपर वाली जो रिएक्शन थी, ऊपर वाली रिएक्शन में पेरेंट कौन था, बेरिलियम, तो इसे कैसे लिखेंगे, 9 बेरिलियम 4, ठीक है। डॉटर क्या बना वहाँ पे जाके, कार्बन, तो वहाँ पे डॉटर अगर क्योंकि कार्बन बन रहा है तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, 12C6, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बोम्बार्डमेंट किसकी कराई गई, अल्फा पार्टिकल की, तुम चाहो तो हीलियम भी लिख सकते हो, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू विल राइट आपका अल्फा, क्योंकि हीलियम लिखने के लिए उसको हीलियम 2 पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्या एमिट क्या हुआ यहाँ पे, न्यूट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप लोगों के पास दिया है एक नाइट्रोजन, मैं नॉर्मल नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, नॉर्मल नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, जो सेल्फ खुद से रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करती, मैं उसी नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ। अगर आप इसको अगेन अल्फा पार्टिकल से आप इसकी बोम्बार्डमेंट करवाएंगे तो बताइए क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन। तो देखो, आर्टिफिशियल वालों में क्या बनेगा आप ये एक्चुअली में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल आपको ये ना बताया जाए कि कौन सा पार्टिकल एमिट आउट होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे 1H1 एमिट आउट हो रहा है, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि अच्छा हाँ डॉटर ये बनेगी, क्यों, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम ये चीज़ ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक नंबर का सम होता है उतना ही राइट हैंड साइड की सारी स्पीशीज़ का भी होना चाहिए।
जितना लेफ्ट हैंड साइड के एटॉमिक मास का सम होता है उतने ही राइट हैंड साइड का भी होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो स्पीशीज है, नाइट्रोजन एंड हीलियम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है देखो 7 और हीलियम का है 2, यानी कि टोटल हो गया 9। तो उतना ही राइट साइड में भी होना चाहिए था, बट राइट साइड में तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सिर्फ 1 है, तो बाकी के 8 कहाँ गए? इसका मतलब जो डॉटर बना है उस डॉटर के पास एटॉमिक नंबर 8 होगा। और तुम्हें इतनी केमिस्ट्री तो आती है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जिसका 8 हो उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन बना है। अच्छा, ऑक्सीजन कौन सा? कोई नॉर्मल ऑक्सीजन कि आइसोटोपिक ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आ गया। तो अगेन वही लॉजिक कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी आप लोगों के पास एटॉमिक मास का सम है उतना ही राइट हैंड साइड में भी एटॉमिक मास का सम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 14 + 4 = 18। राइट हैंड में 1 तो हाइड्रोजन के पास है, बाकी के 17 कहाँ हैं? ये ऑक्सीजन के पास है, मतलब 17O8 बना। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि पेरेंट, देखो 4 वेरिएबल्स है बेसिकली, पेरेंट वेरिएबल है, डॉटर वेरिएबल है, प्रोजेक्टाइल एक वेरिएबल है और जो पार्टिकल एमिट आउट हो रहा है वो एक वेरिएबल है। इन 4 वेरिएबल में से किसी भी 3 वेरिएबल के बारे में जानकारी दे दी जाएगी और जानकारी दे देने के बाद किसी एक को फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। जैसे अभी मान लेते हैं मैंने आपको डॉटर के बारे में पूछ लिया था, पेरेंट के बारे में बता दिया था, प्रोजेक्टाइल के बारे में बता दिया था और एमिटेड पार्टिकल के बारे में बता दिया था। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, देती हूँ प्रैक्टिस के लिए और करवाती हूँ क्वेश्चंस, बट बात आती है रिप्रेजेंटेशन। हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन शॉर्ट? ठीक है, तो इसको शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 एंड यहाँ पे 7 ब्रैकेट में अल्फा कॉमा हाइड्रोजन को आप या तो H भी लिख सकते हो, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू राइट P। P मीन आपका मतलब क्या? प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे P का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन। प्लीज प्रोटॉन और पोजिट्रॉन दोनों को कन्फ्यूज मत करना, नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख लेना। और बाजू में क्या लिखेंगे? 17O8। तो इस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, जैसे एक टॉपिक क्या पढ़ते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा टॉपिक जो इस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ा जाएगा वो होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि क्लासिफाई आप कैसे कर रहे हो। तो देखो, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो मैं ब्रॉडली आपकी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस को 5 कैटेगरीज में मैं क्लासिफाई करूँगी। हमको इन 5 कैटेगरीज की कोई डिटेल नहीं पढ़नी है, बिल्कुल टेंशन मत लो, हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, इतना ही हम लोगों का सिलेबस है और इतना ही आपको आना चाहिए, ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको इसमें जाना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ 5 कैटेगरीज। अच्छा, जिनमें से 2 कैटेगरीज के बारे में तो आपने सुनकर भी रखा है, पहले जो आपका ऑलरेडी सुना हुआ है अपन उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन। क्या आपने न्यूक्लियर फीजन ये वर्ड सुना है इससे पहले? डेफिनेटली सुना है। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, बाकी 3 के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, न्यूक्लियर फीजन ये एक वो रिएक्शन है जिसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप चीज़ों को तोड़ते हो। फीजन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और फ्यूजन का मतलब वो रिएक्शन होती है जिसमें आप न्यूक्लियसेस को, 2 अलग अलग न्यूक्लियसेस को आप जोड़ते हो। मतलब मान लेते हैं अगर आपके पास हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियसेस हैं, आप उन दोनों लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ोगे, ठीक है, बराबर, और जोड़ने के बाद क्या करोगे? एक हैवी न्यूक्लियाई क्रिएट करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? एक हैवी न्यूक्लियाई आप क्या करोगे? क्रिएट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से फीजन और फ्यूजन ये एक दूसरे से अलग है। फ्यूजन के बारे में आप ये याद रखिएगा, जो हमने कभी कभी सुना होगा, उड़ती उड़ती खबरें हमारे कानों में आई होंगी, कभी न्यूज़पेपर में इसके बारे में आपने सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब। मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, एंड दूसरे के बारे में तो अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है, जो कि मेरे हिसाब से 10th क्लास तक हर स्टूडेंट ने पढ़ा होता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2,
तो वर्ल्ड वॉर टू में जब अमेरिका ने आपके जापान की दो सिटीज थी ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उनके ऊपर बॉम्ब्स फेंके थे. दैट बॉम्ब्स कौन से थे? एटॉमिक बॉम्ब, है ना. दैट एटॉमिक बॉम्ब कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. ये इतनी बेसिक जानकारी है जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होती है, कई लोगों को नहीं पता होती. ठीक है. अच्छा, हम लोगों के इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के आई थिंक तारापुर में, आई एम नॉट श्योर, नहीं 99% श्योर, ठीक है 99% श्योर कि महाराष्ट्र में जो तारापुर है, आई थिंक हाँ, ठीक है, तारापुर में क्या है, आप लोगों का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है. इसके अलावा राजस्थान है, राजस्थान में भी एक बहुत ही फेमस शहर है, कट्टा कट्टा ऐसी कुछ है, क्या तो है, जार भट्टा ऐसी समथिंग, ही ज्योग्राफी में पढ़ा तो था. ठीक है, क्या नाम था उसका, रुको याद करने दो, रावा भाटा, राइट, रावा भाटा, रावा भाटा राजस्थान, महाराष्ट्र में तारापुर है ना, और एक आंध्र प्रदेश में भी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, दोनों आंध्र प्रदेश में है. मेरे को ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी लगती थी अपने स्कूल टाइम तक, ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो उसका नाम तो शायद कुछ कल्पक कोवाड़ा या कल्पक ककम समथिंग लाइक कुछ ऐसा है. तो ये जो पावर प्लांट है, ये जो पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में एटॉमिक बॉम्ब के अलावा जो हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करने के नाम पर, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के नाम पर जो पावर प्लांट अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में अलग अलग लोकेशन में लगे हुए हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करते हैं. लेकिन कितनी अजीब बात है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस से डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है बॉम्ब वगैरह फेंक कर, और दूसरी पर्टिकुलर प्रोसेस से एनर्जी जनरेट की जा रही है. एग्जैक्टली. तो ये दोनों क्या कुछ अलग है कि क्या, मतलब हाउ दो दीज टू प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्यों? तो देखो, ऐसा नहीं है कि दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से कुछ डिफरेंट है. फ़र्क सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को आप कंट्रोल्ड मैनर में करते हो, कंट्रोल्ड मैनर में, क्योंकि कैसा है कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है ना, तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी. और जब न्यूक्लियर फ्यूजन भी होती है तो उस दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, उस दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है, दोनों ही प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है, बट फ्यूजन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर आप मान के चलते फ्यूजन प्रोसेस को कंट्रोल्ड मैनर में करवा रहे हो, तो कंट्रोल्ड मैनर में वो किसके जैसे काम करती है? वो काम करती है लाइक अ पावर प्लांट. आप उसकी एनर्जी को स्टोर करिए, उससे आप समथिंग समथिंग कुछ करिए. लेकिन अगर आपने उसी पर्टिकुलर रिएक्शन की चेन को अनकंट्रोल्ड मैनर में कैरी आउट करवा लिया, तो ऐसे केस में वही चीज़ किसका काम करती है? बॉम्ब का काम करने लगती है. ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड मैनर में हुई, देन इट विल एक्ट लाइक एन एनर्जी पावर प्लांट. अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में हुई, देन इट विल बिहेव लाइक ए बॉम्ब, वो बॉम्ब के जैसे बिहेव करेगा. ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. क्यों ऐसा, क्यों? तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के वाया इस चीज़ को समझते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास यूरेनियम है, द बेस्ट एग्जांपल इज यूरेनियम फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. 92 यूरेनियम, ठीक है, हैविंग एटॉमिक मास ऑफ 235. अगर मैं इसको न्यूट्रॉन से हिट करती हूँ, मतलब मैं इसके ऊपर बोम्बार्डमेंट करवाती हूँ, किसकी? न्यूट्रॉन की, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल पढ़ रहे हैं ना. तो क्या बनता है? तो बेरियम बनता है, ठीक है, 56 बेरियम बनता है, 141. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक डॉटर बने, मल्टीपल डॉटर्स भी बन सकती हैं. जैसे इस केस में बेरियम के साथ साथ क्रिप्टन भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है? क्रिप्टन प्लस यहाँ पे टोटल 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं. तुम्हें एक चीज़ ध्यान में आई है? क्या ध्यान में? कि हमने बोम्बार्डमेंट करवाई थी एक न्यूट्रॉन की, और हमें बदले में मिले कितने न्यूट्रॉन? हमें बदले में मिले टोटल 3 न्यूट्रॉन्स. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने बोम्बार्डमेंट कराई थी यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन की,
और बदले में हमको क्या मिल रहा है, टोटल 3 न्यूट्रॉन। अगर मान लेते हैं, अच्छा, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी होती है आपकी कुछ 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास। अब अगर मान के चलिए आपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहीं पर रोक दिया, तो वो 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की जो एनर्जी है वो आपकी। अगर आपने नहीं रोका तो ये क्या होगा, वो जो 3 न्यूट्रॉन बने हैं वो 3 न्यूट्रॉन फिर से और आगे और यूरेनियम के पार्टिकल्स को हिट करेंगे, और यूरेनियम के पार्टिकल्स हिट होंगे तो उन 3 से आगे और नॉन न्यूट्रॉन्स बनेंगे। और अगर एक हिट होने से 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट रिलीज होता था तो 9 की वजह से पता नहीं कितना ज़्यादा रिलीज होगा। तो फिर बाद में यही चीज़ डिस्ट्रक्शन की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बस ख़त्म, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल याद रखना है। अच्छा, आप कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम तो फिर तो अपन ये पक्का समझे फिर कि यूरेनियम 235 को अगर आप न्यूट्रॉन से हिट करोगे तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनेगा। तो नहीं भाई, नहीं, यही तो एक सबसे अच्छी बात है कि अगर तुम 92 यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से हिट करते हो सो इट डजंट मीन्स कि आपको हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन मिलेगा। आपको ये कॉम्बिनेशन वाली चीज़ भी मिल सकती है, ज़ेनॉन मिल रहा है और साथ में आपको स्ट्रॉन्शियम मिल रहा है अलोंग विथ 2 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये भी मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है, ठीक है, कि 53 आयोडीन 137, ये सब याद मत रखना, प्लस 39 इटेरियम 97 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, ये भी आपको मिल सकता है एंड मैनी मोर। तो इसीलिए एक वर्ड फ्यूजन रिएक्शंस के लिए याद रखिएगा दिमाग में, दे न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं आर नॉट यूनिक। यहाँ से इस वर्ड का मतलब समझ रहे हो, नॉट यूनिक का, यूनिक का मतलब कि हमेशा इनसे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, जो आप देख रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं होता, ठीक है। खैर, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन देखो ये एक वो प्रोसेस है जिसमें आप कुछ नहीं करते हो, दो लाइटर न्यूक्लियाई को लेकर आते हो, दो लाइटर न्यूक्लियाई को आप कन्वर्ट करते हो हैवी न्यूक्लियाई में, और फ्यूजन में बस इसका उल्टा हो जाता है। फ्यूजन में आप क्या करते हो कि जो आप लोगों के पास पहले से हैवी न्यूक्लियाई था आप उसको तोड़ते हो लाइटर में, जैसे यूरेनियम 235 था आपने उसको तोड़ा बेरियम 141 और क्रिप्टन 92 में, दो छोटे छोटे हल्के फुल्के उसके कंपेयर में डॉटर बना लिए। तो ऐसे में फ्यूजन में आप ये नहीं करते, फ्यूजन में दो हल्की चीज़ों को जोड़ा जाता है लाइक हाइड्रोजन हीलियम, है ना, और उसके बाद आप एक हैवी न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या करते हो, बनाते हो। अच्छा, अब इसके अलावा आप फ्यूजन रिएक्शन को तो देखो बहुत ही आसानी से करवा सकते हो, मतलब इतना भी नहीं है कि घर में बैठ के फ्यूजन रिएक्शन करवा रहे हो, बट फ्यूजन के कंपेयर में फ्यूजन बहुत ही आसानी से हो जाती है। हम ये ऐसा इमेजिन करते हैं या फिर ऐसा हम सोचते हैं कि जो सन है, सन में क्या हो रही है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। सन में कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। अगर आपको कोई फ्यूजन रिएक्शन अपने यहाँ करवानी है, ठीक है, अगर आपको मान लेते हैं फ्यूजन रिएक्शन यहाँ करवानी है, किसी लैब में करवानी है, तो उसके लिए आपको 10^6 केल्विन के टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली मतलब हाईली एक्सोथर्मिक। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट की हीट एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होती है। बाद एक एग्जांपल देख लो और एग्जांपल के बाद बस इस चीज़ को ख़त्म करते हैं फिर फ्यूजन को भी। जैसे मान लेते हैं आपके पास हाइड्रोजन है, ऐसे 4 हाइड्रोजन आप लेकर आ गए, आपने उन 4 हाइड्रोजन से बना लिया एक हीलियम पार्टिकल और आपने एमिट आउट कर दिया इलेक्ट्रॉन कहेंगे कि पॉजिट्रॉन कहेंगे, देखो थोड़ा नोट्स कॉपी रिवाइज करो पता चलेगा इसे क्या कहेंगे, प्लस 24.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी रिलीज हो गई। सो दिस इज फ्यूजन। तो आपको हो सकता है पेपर में कल को कोई ऐसा छोटा सा चन्नू मन्नू सा क्वेश्चन आ जाए कि आप आइडेंटिफाई करिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियर फ्यूजन विच इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन में जो डॉटर है उसका एटॉमिक मास हमेशा कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू पैरेंट,
और जो आपका फ्यूजन है, फ्यूजन में आपको हमेशा डॉटर का ज़्यादा देखने को मिलेगा एटॉमिक मास एज कम्पेयर टू पेरेंट, क्योंकि आप वहाँ पे चीज़ों को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि जो डॉटर है, डॉटर का जो ए है, ए मतलब एटॉमिक मास, वो लेस होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट के एटॉमिक मास के। और अगर मैं फ्यूजन की बात करूँ तो फ्यूजन में डॉटर का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट के एटॉमिक मास के। इसके अलावा और भी तीन प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं, बट फ्यूजन, फीजन, दीज आर द वेरी फेमस प्रोसेसेस जो हर किसी को पता होती है। अब बाकी तीन के बारे में सिर्फ एक एक एग्जांपल के वाया हम समझेंगे, और सिर्फ नाम पता होना चाहिए उनका। एक को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन। जो चौथी है उसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल रिएक्शन, इसे कहा जाता है पार्टिकल रिएक्शन। और जो पांचवी है उस पांचवी को कहा जाता है स्पैलेशन रिएक्शन, इसे क्या कहा जाता है, स्पैलेशन रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, मतलब क्यों एक को ये कह रहे हो एक को वो कह रहे हो, तो इसको ना एग्जांपल से समझो। देखो बेसिकली प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन उनको कहते हैं जिनमें डॉटर होता है, प्रोजेक्टाइल एक न्यूट्रॉन होता है और एमिटेड पार्टिकल एक गामा होता है। अच्छा डॉटर मैंने आगे लिख दिया क्या, ओ माय गॉड, डॉटर यहाँ लिखना चाहिए था, पेरेंट यहाँ लिखना चाहिए था। खैर इस टाइप का अगर कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखे, मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एग्जांपल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, जो याद करने लायक चीज़ क्या है कि प्रोजेक्टाइल मतलब जिससे आप बोम्बार्डमेंट कर रहे हो, जिसको आप फेंक रहे हो, वो आपका न्यूट्रॉन होना चाहिए और जो बदले में बाहर आ रहा है, जो एमिट आउट हो रहा है, वो गामा होना चाहिए। वैसे ही पार्टिकल रिएक्शन क्या होती है, पार्टिकल मतलब आपके पास कोई पेरेंट होगा, आपने उसमें कुछ पार्टिकल्स बोम्बार्ड किए, मतलब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इस तरीके के कुछ पार्टिकल आपने उस पर बोम्बार्ड किए। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स फेंकने आपको, ठीक है, क्या फेंकने आपको, पार्टिकल्स फेंकने हैं, ठीक है, पार्टिकल्स फेंकने हैं आपको। और उसके बाद आप लोगों को क्या मिल रहा है, आप लोगों को नो डाउट डॉटर के बाद, डॉटर तो मिलेगी, बट एमिटेड पार्टिकल क्या मिल रहा है, एमिटेड पार्टिकल न्यूट्रॉन भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल कैप्चर था। स्पैलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो स्पैलेशन रिएक्शन की सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, हाई स्पीड बोम्बार्डमेंट, कि बहुत ही स्पीड में बोम्बार्डमेंट किया गया, ठीक है, ये उसका पहला नियम। ठीक है, किस पर किया गया, ऑन हाई न्यूक्लियस, मतलब जो भारी न्यूक्लियस है उस पर किया गया। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ आप लोगों का लाइटर न्यूक्लियस। अगर पेरेंट आपको भारी दिख रहा है, डॉटर आपको हल्की दिख रही है, आप उसमें कोई पार्टिकल फेंक रहे हो, दैट इज नोन एज स्पैलेशन रिएक्शन हाई स्पीड के साथ। लेकिन इसमें मैं बता दूं, मेरे लिए हिसाब से तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज आपको पूछी जाएगी। ठीक है, अभी जितनी भी हमने ये बातचीत की, इस बातचीत के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 29 कॉपर 53 एरो 28 निकेल 53 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बताइए कि ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 यूरानियम 235 प्लस 0 एंड 1, उसने आपको दिया 55A 142 होगा भाई कोई ए, अब ये मैसेज मत करना कि ए क्या है, 37B 92 प्लस क्वेश्चन मार्क, बताइए ये क्वेश्चन मार्क क्या है। तो देखो एक सीधा सा नियम चलता है न्यूक्लियर रिएक्शन में कि यहाँ पे मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है ना, हम लोग जो 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। यहाँ पे एक सिंपल सा नियम चलता है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं एटॉमिक मासेस दिख रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए राइट साइड के एटॉमिक मासेस के, एंड सेम दिस स्टेटमेंट फॉर एटॉमिक नंबर।
तो अभी मैं अगर क्वेश्चन नंबर वन को अगर सॉल्व करने जाऊं तो क्वेश्चन नंबर वन के लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है 29 और निकल का कितना दिख रहा है 28। मतलब ज़रूर ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो पार्टिकल है एक्स, इसको एक एटॉमिक नंबर मिल गया होगा, तभी तो 28 + 1 = 29 होगा। कॉपर का एटॉमिक मास है 53 और निकल का भी 53 है, इसका मतलब जो पार्टिकल एमिट आउट हुआ होगा उसको कोई मास नहीं गया है। अब तुमने अभी तक जितना भी पढ़ा है अपने दिमाग का निचोड़ निकालो और निकाल के मुझको बताओ कि आखिर वो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसके इसमें मास नहीं होता। हाँ, जिसके इसमें मतलब एटॉमिक नंबर होता है 1, 1 लेकिन मास नहीं होता, कौन है वो भाई? तो वो होता है आप लोगों का ये पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन यानी कि 1e0, ये होती है वो स्पीशीज, ठीक है। न्यूट्रॉन तो नहीं हो सकता क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता ना, इसीलिए, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे में देखो आपसे क्या बोल रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक नंबर का जो टोटल है, जेड का जो टोटल है वो कितना है 92, लेफ्ट हैंड साइड में जो ए का टोटल है वो कितना है 236, तो राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे जेड का इन दोनों को ऐड करने की वजह से टोटल कितना आ रहा है 92। इसका मतलब वो जो क्वेश्चन मार्क वाला जो भी पार्टिकल होगा, लेट से एक्स होगा, उसके पास कोई एटॉमिक नंबर वाला फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार मतलब दिख रहा है ना 92 तो पहले ही हो चुका है। फिर अच्छा कोई बात नहीं, अब इन दोनों के बारे में देखो, 142 और 92 कितना होता है 4, 3, 234। इससे मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि 236 से हमको सिर्फ 234 मिला है, मतलब ए में कितने का लॉस हुआ है, 2 का लॉस हुआ है। अब 2 का लॉस किस पार्टिकल में हो सकता है, सोचो, बुद्धि लगाओ। क्या पॉजिट्रॉन में हो सकता है? नहीं मैडम, पॉजिट्रॉन में तो मास ही नहीं होता। ऐसा पार्टिकल ढूंढो जो न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल पार्टिकल तो एक ही होता है, खुद न्यूट्रॉन। बट मैडम न्यूट्रॉन का सिंबल तो होता है 0x1, ये होता है ना, तो मैडम फिर तो एक का लॉस होना चाहिए, यहाँ 2 का लॉस का हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब भाई वहाँ पे ऐसे ज़रूर 2 न्यूट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा, क्योंकि एक तो चार्जलेस स्पीशीज भी है, ऊपर से मास का भी 2 का लॉस हो रहा है, बट न्यूट्रॉन में तो सिर्फ एक का ही लॉस होता है। इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा 2 times the value of what? Neutron, ठीक है, 2 times the value of neutron। अब ऐसे में जैसे अभी तुमको क्वेश्चन दिया था, कुछ मिसिंग डेटा तुमको उसने पूछ लिया, कल को तुमको हो सकता है एक इक्वेशन दे, उससे तुमको प्रेजेंटेशन लिखवाए, या कल को तुम्हें हो सकता है प्रेजेंटेशन लिख कर दी जाए, है ना, इस तरीके से प्रेजेंटेशन लिख कर दी जाए और तुमसे प्रोडक्ट मांगे। तो कोई कठिन चीज़ नहीं, अगर आपको प्रेजेंटेशन दी है तो ब्रैकेट के पहले जो लिखा है वो आपका पेरेंट है, मतलब 7n14। ब्रैकेट के अंदर जो पहली क्वांटिटी लिखी है उसके साथ हमें बोम्बार्डमेंट करना है, यानी कि ये एरो देना है, एरो के बाद डॉटर बनेंगे। वैसे तो मोर देन वन डॉटर बनता भी है, उसकी भी पॉसिबिलिटी होती है, बट ऐसे केस में जब आपको डॉटर के बारे में लिखना हो तो आप यही अज्यूम करके चलो कि एक ही डॉटर बनी होगी, क्योंकि दूसरी डॉटर के बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ कि क्या बनी होगी वो, है ना। तो एक ही डॉटर बनी होगी अज्यूम करके चलते हैं। पी बाहर जा रहा है, पी फॉर पैरेट, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिट्रॉन नहीं। अगर किसी को पॉजिट्रॉन लिखना होगा ना तो वो प्लस ई लिखेगा, क्या लिखेगा वो, प्लस ई। अगर पी लिखा है मतलब वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटॉन मतलब कौन, हाइड्रोजन, यानी कि जो एमिटेड पार्टिकल है वो एमिटेड पार्टिकल 1H1 है। तो बताओ यहाँ पे डॉटर कौन होगी, लेट से ये डॉटर एक्स है, नियम एक ही चलता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास शुड बी बैलेंस ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड। तो इस हिसाब से अगर मैं 14 + 1 का कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ देखूँ तो 14 + 1 कितना होता है 15, तो राइट हैंड साइड में भी 15 होना चाहिए। हाइड्रोजन तो एक वन ऑलरेडी ले चुका है, मतलब वो वन, वो जो 15 का 14 है वो यहाँ होगा। वैसे ही 7 + 0 ये कितना होता है 7, एक H के पास ऑलरेडी 1 है तो ज़रूर यहाँ क्या रहा होगा 6, ये है वो। अब अगर मैं इसके बारे में तुमसे पूछूँ कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो वो कौन होता है, कार्बन,
यानी कि यहाँ पे आंसर होगा, ये रिएक्शन में x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कार्बन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, कार्बन। तो कल को इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देकर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से वही सिद्धांत जो हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा था उसको इस्तेमाल करो और उससे आंसर निकालो। एक और रिप्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं, 19 पोटेशियम 39, यहाँ पे लिखा है पी कॉमा अल्फा। अब क्या करोगे, पेरेंट कौन है आपके पास, पेरेंट है 19K39। आप इसमें बोम्बार्डमेंट किसकी करवा रहे हो, प्रोटॉन की, है ना, प्रोटॉन की बोम्बार्डमेंट हो रही है, यानी कि 1H1 की बोम्बार्डमेंट हो रही है। अच्छा, यहाँ से प्रोड्यूस क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होगा कोई भी एलिमेंट, बट एमिट क्या हो रहा है, अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 2 हीलियम 4। तो बताओ यहाँ पे जो ये एक्स होगा, ये एक्स कौन होगा, तो नियम सिंपल है, 39 + 1 40 होता है, 40 का 4 हीलियम के पास है, तो ज़रूर यहाँ पे कितना होगा, 36। 19 + 1 कितना होता है, 20, 20 का 2 हीलियम के पास है, यानी कि यहाँ ज़रूर क्या रहा होगा, 18। तो दिस इज़ योर रिएक्शन, और यहाँ पे एक्स का सिंबल क्या होगा, 18, किसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज ऑफ एर्गन, यानी कि ज़रूर यहाँ पे ये होगा एर्गन। कल को इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि कौन सा डॉटर बनेगा, उसका करेक्ट ऑप्शन बताइए आप, है ना, ये भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है बीटा प्लस, ठीक है, डी के, और वहाँ पे बाजू में लिख दिया है बाय 11Na22। तो सुनो, बीटा डीके सबको पता है इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, बट यहाँ पे बीटा के ऊपर प्लस लगा दिया है, इसका मतलब ये बेसिकली पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है, पॉजिट्रॉन यानी कि ई आपका 1 और यहाँ पे 0, इसकी बात की जा रही है, ये समझना। गलती से भी बीटा को -1 के साथ सॉल्व मत कर देना, क्योंकि बीटा के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पॉजिटिव उसके ऊपर दिया है। तो इस हिसाब से 11 है, Na है और 22 है, ये तो हमारे पास कौन है, पेरेंट है। अब ये मत बोलना कि मैडम इसमें पॉजिट्रॉन का बोम्बार्डमेंट करवाना है, बोम्बार्डमेंट नहीं कराना है भाई, बीटा प्लस का डीके हो रहा है, डीके हो रहा है का मतलब वो एमिट हो रहा है, एमिट, ठीक है, डीके का मतलब होता है एमिट, तो ये आपको एमिट वाली चीज़ दी है, यानी कि जो चीज़ एमिट आउट हो रही है वो क्या हो रही है, +1e0। तो बताइए कि वो एक्स क्या रहा होगा। तो अब कॉमन सेंस है, इतनी चीज़ तो अब तक हमारी बातचीत हो गई है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये रहा होगा एक्स। और अगर मैं बात करूँ सिंबल की, तो ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिसका सिंबल एक्स विथ एटॉमिक नंबर 10, बोलो कौन, वो है आप लोगों का सबका प्यारा नियॉन, ठीक है, ऐसे काम करना है, ठीक है, इसको इस तरीके से काम करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो ये पूरी कहानी थी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, इससे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, उसके बाद में फिर थोड़ा सा थ्योरी वाली बातचीत है, हम थ्योरी वाली बातचीत के तरफ मूव करेंगे। एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 100 दिया है, एटॉमिक मास का कोई ठोर ठिकाना आपको नहीं दिया, इसका डीके हुआ, बोम्बार्डमेंट नहीं हुई इस पे, ये डीके हुआ, और एक एलिमेंट वाई में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, अच्छा पहली बार डीके हुआ, दूसरी बार डीके हुआ, दूसरी बार एलिमेंट जेड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में हिंट दी हुई है कि इन बोथ प्रोसेसेस, ठीक है, जो प्रोसेसेस का मतलब जो दोनों ही डीके हुए हैं, अ चार्ज पार्टिकल इज एमिटेड, एक चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, अचार्ज, अच्छा चार्ज के बाद में पार्टिकल लिखना भूल गई हूँ, अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एमिटेड, ठीक है, विच ऑफ विच कैन बी ट्रू, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो मैं नीचे ऑप्शन अभी दूंगी, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, कि वाई का एटॉमिक नंबर है 102, ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है क्योंकि एटॉमिक मास के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वाई का एटॉमिक नंबर हो सकता है 101, या फिर वाई का, सॉरी जेड का एटॉमिक नंबर हो सकता है 100, और यहाँ पे Z का एटॉमिक नंबर हो सकता है 99, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि चार्ज्ड पार्टिकल एमिट आउट हो रहा है,
तो चार्ज पार्टिकल का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूट्रॉन तो एमिट नहीं हो सकता, इतना तो मानते हो, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है। अच्छा, न्यूट्रॉन को तो भूल जाओ। अब अगर न्यूट्रॉन नहीं हो सकता तो न्यूट्रॉन के बदले में कौन कौन हो सकता है? चार्ज पार्टिकल्स में अपन किस किस की गिनती करते हैं? चार्ज पार्टिकल्स में प्लस बीटा वाले भी आते हैं, माइनस बीटा वाले भी आते हैं, बराबर, अल्फा वाले भी आते हैं, और भी आते होंगे, बट ये मैं डेली यूज़ वाले लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। इमेजिन करो, इमेजिन अगर पहली बार अल्फा डिके हुआ, आपको हिट एंड ट्राई लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट कोई तरीका नहीं है इसका। अगर पहली बार अल्फा डिके हुआ तो बताओ वाई क्या बनता? अगर पहली बार अल्फा डिके होता तो वाई क्या बनता? अल्फा मतलब एटॉमिक नंबर से कितने का लॉस? दो का लॉस। अल्फा का मतलब होता है जेड से कितने का लॉस होना? दो का लॉस होना, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर 100 है और अगर उससे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो वो जो वाई बनेगा वो 98 वाला बनना चाहिए, बराबर। वो क्या बनना चाहिए? 98 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, खैर छोड़ दो। अच्छा, बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि एक मिनट, हाँ बराबर है। अब क्या करें? अब तो दिक्कत हो गई हम लोगों को। फिर आप नेक्स्ट डाउट, हो सकता है प्लस बीटा पार्टिकल हो रहा हो। अगर मान लेते प्लस बीटा पार्टिकल हो रहा है तो प्लस बीटा मतलब सिंबल उसका किस तरीके का रहेगा? उसका सिंबल रहेगा कुछ इस तरीके का, E प्लस वन और ज़ीरो। तो जो Y बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? उसका रहेगा 99, क्योंकि 99 प्लस वन विल बी 100 ना, तो इसका मतलब Y का 99 होना चाहिए था, कायदे से Y का 99 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बताओ दिया ही नहीं है कहीं 99। मैडम ये दिया है ना, बट ये तो Z का दिया है, हम तो Y के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा चलो सोचो माइनस बीटा हो रहा होगा, तो अगर माइनस बीटा हो रहा होगा तो Y ज़रूर क्या रहा होगा? 101। वाई ज़रूर क्या रहा होगा? 101। इसीलिए ये एक ऑप्शन हो सकता है, इस ऑप्शन के लिए बीटा डिके हुआ होगा तब ये ऑप्शन आएगा। बाकी ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। अब देखो वाई में 102 तो पॉसिबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो पहले ही हटा दो। अब जो भी चेकिंग करनी है वो जेड के लिए करनी है। अब जेड में भी अगेन हम तीन केसेस बनाएंगे। अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा होता तो उसके निकलने से दो का लॉस होता है, यानी कि जो डॉटर बनेगी उसका एटॉमिक नंबर दो से कम होगा। अब हमें इतना तो पता चल चुका है कि जो वाई है उसका 101 है, वाई का 101 है। अगर इसमें दो का लॉस हो रहा है तो अल्फा की वजह से, तो 99 होना चाहिए जेड ने। अरे वाह, ये तो डी ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन अगर मान लेते हैं प्लस बीटा होता है, प्लस बीटा, तो प्लस बीटा की वजह से जेड कितना होना चाहिए? जेड होना चाहिए 100। क्या Z बराबर हमको 100 दिया है? एक मिनट, लेट मी चेक, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं ठीक है, तो C ऑप्शन भी हो सकता है। अगर माइनस बीटा है, इमेजिन माइनस बीटा है, माइनस बीटा हो रहा है, तो माइनस बीटा मतलब ज़रूर Z क्या रहा होगा? 102, बट Z के तो और कोई ऑप्शंस बचे नहीं है, इसीलिए ये आप लोगों का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये मोर देन वन चॉइस वाला हो सकता है, या फिर कल को कोई ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है जिसमें आपको इस तरीके का कुछ दिखे, ठीक है। तो ये हमारी बातचीत थी, एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से मार्क कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक में ये चीज़ देखो किस तरीके से दी हुई है। थोड़ी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ बना दी और कुछ नहीं किया है रीडिंग, और कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, इसके कुछ न्यूक्लियर पावर के कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, नोट्स कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट ये लिख लो, देख लो, ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड, ज़ीरो सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये क्लीन एनर्जी है बेसिकली। तो ये पॉइंट्स आप एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन के टॉपिक में लिख सकते हो, है ना। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ग्राम कितना किलोवाट प्रोड्यूस करता है, वो सब याद मत करो, डायग्राम्स वगैरह कोई काम के नहीं है आपके, ठीक है। अच्छा और हाँ, अब देखो बेसिकली जिस जगह पर ये न्यूक्लियर फीजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस करवाई जाती हैं, ये इस तरीके के बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं। आपको ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत लंबे, जैसे अपना महाराष्ट्र में नागपुर में कोराडी पावर प्लांट है, नागपुर में भाई मैंने तो देखा है, तुमने भी शायद देखा ही होगा, माइट बी, तो उसके देखना
कोराडी कहाँ है और धाबा में एक अपार्टमेंट है हमारा, उस अपार्टमेंट 4th या 5th फ्लोर पर है, उसकी बालकनी में अगर आप बैठो तो धाबा की उस बालकनी से इन द रेनी सीजन, ठीक है, वो पूरा का पूरा कोराडी पावर प्लांट क्लियरली दिखता है। जब लास्ट टाइम आपका ये कोविड था, जब एनवायरमेंटल पोल्यूशन पूरा ज़ीरो हो गया था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उस दौरान तो दत्तावाड़ी के भी कई जगहों से वो दिख रहा था, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, एग्जैक्टली अगर कई दत्तावाड़ी की बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से वो दिख रहा था। क्यों? वो पहले तो बहुत बड़ा होता है, इससे ये समझ में आता है, क्योंकि उसके और मेरे घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कोई ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर, कम से कम 25 किलोमीटर दूर वाली चीज़ भी फिर भी दिख रही है, सोचो कितना बड़ा होगा। तो ऐसे ही जहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं कंट्रोल्ड मैनर में, आप बोलो, क्योंकि अनकंट्रोल्ड मैनर में तो किसी भी देश को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए किसी के अगेंस्ट। बहुत सारे समझौते हुए हैं रिसेंटली, भारत को एक पर्टिकुलर कमिटी में एंट्री नहीं दी जा रही है ना, क्योंकि उसके लिए बोला जा रहा है कि भारत उस एक ऐसे एग्रीमेंट पे साइन करे जिस एग्रीमेंट की कंडीशन ये है कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी के वेपन्स को प्रोड्यूस करने के तरफ बिल्कुल भी ना सोचे। तो भाई ये तो अच्छा, जो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में जो पहले से कंट्रीज हैं जैसे रशिया वगैरह है, अमेरिका है, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में जो पहले से कंट्रीज हैं ना, उनके सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं सिर्फ, लेकिन अब भारत को अगर उसमें एंट्री लेनी है तो भैया आपको ये साइन करना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च भी नहीं करेंगे। तो अभी तक उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को साइन नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, कि अरे जब बाकियों के पास है नहीं, उनका ये कहना है कि नहीं हमारा तो पहले ही हो गया था ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, तो गलत है। खैर न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, ये वो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े फर्नेंस होते हैं जहाँ पे कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन की जाती है। तो अपनी नोट्स कॉपी में न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन लिख लोगे, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, आपको डायग्राम से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को चलाते हैं, अगर आप रेलगाड़ी भी चला रहे हो तो रेलगाड़ी में आपको कुछ ना कुछ ईंधन तो देना पड़ेगा ना, कोयले से चलेगी, इलेक्ट्रिक से चलेगी, कुछ तो देना पड़ेगा। गाड़ी चला रहे हो या तो इलेक्ट्रिक चलाओगे या तो पेट्रोल वाली चलाओगे या तो डीजल या सीएनजी, राइट, तो कुछ तो देना पड़ेगा फ्यूल के नाम पे, बिना फ्यूल के तो ना चलेगा। तो रिएक्टर्स में यूरेनियम 235 ये PU है, ठीक है, बुक में करेक्शन करना पड़ेगा एक छोटा सा, खैर न्यू एडिशन की किताब है तो माइट भी छोटी छोटी गलतियां उससे हो सकती हैं। वो फॉस्फोरस 239 मतलब बहुत बड़ा हो गया ना, फॉस्फोरस कहाँ, बेचारा छोटा सा पी ब्लॉक का एलिमेंट, वो भी 239 मतलब ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो समझ में आ गई, है ना। क्या होता है पी यू, मतलब पी यू का मतलब मेरे हिसाब से प्लूटोनियम होता है, ठीक है, प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम है। यूरेनियम 235, प्लूटानियम 239 या फिर यूरेनियम 233, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। ये बेसिकली कौन है, ये अपनी नोट्स कॉपी में लिखना, मैं अलग से नहीं लिखा के दे रही हूँ, बुक के मार्किंग से ही डायरेक्ट पढ़ा दे रही हूँ। ये आप लोगों के फ्यूल हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जिनसे चलेगा, ठीक है, इसे कहते हैं इस पर्टिकुलर फ्यूल को कहते हैं फिसाइल मटेरियल, इसको क्या कहा जाता है, फिसाइल मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा अब ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो फ्यूल के जैसे बिहेव कर सकते हैं, बट वो फिसाइल नहीं है, ठीक है, बट वो फिसाइल नहीं है, ठीक है, वो नॉन फिसाइल है, बराबर, जो नॉन फिसाइल है। अच्छा, फिसिल मतलब मीनिंग होता क्या है, फिसिल मतलब जो अंडर गो न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन कर सके, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो चेन रिएक्शन है वो कर सके, बराबर, उसको कहते हैं फिसाइल मटेरियल। तो ऐसे और भी हैं जो आप फ्यूल के जैसे उनको यूज़ कर सकते हो, बट वो आपके फर्टाइल मटेरियल है, ठीक है, फर्टाइल मटेरियल है उन, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी टाइप ऑफ फ्यूल है, ठीक है, ये भी क्या है, फ्यूल का एक टाइप है, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों के क्या है, नॉन फिसाइल है, ठीक है, लेकिन आप नॉन फिसल चीज़ों को फिसल में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ रिएक्शंस करनी पड़ेगी बाय बोम्बार्डमेंट, जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को कि बोम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है, बोम्बार्डमेंट की वजह से आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो फर्टाइल मटेरियल होता है यूरेनियम 238, ये भी एक फ्यूल के जैसे एक्ट कर सकता है,
बट पहले इसको न्यूट्रॉन्स के साथ बोम्बार्ड किया जाता है, तब जाके ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है एक चेन रिएक्शन के थ्रू। वो सब आपको नहीं जानना है कि वो चेन रिएक्शन क्या है, बस इतना याद रखो यूरेनियम 238 एक फर्टाइल मटेरियल है, बट हाँ फ्यूल के जैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। वैसे ही थोरियम 232 ये भी एक फर्टाइल मटेरियल है। तो फ्यूल में दो होंगे, फिसाइल नॉन फिसाइल, बस इतना याद रखना। खैर, कई बार जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में कराना पड़ता है, अदरवाइज इतने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और हर बार इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि माइट भी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाए। बट हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब क्या ऐसा करने का सोच रहे हो क्या कि जैसे जैसे न्यूट्रॉन बनते जाएंगे फटाफट फटाफट न्यूट्रॉन्स को मैं पकड़ पकड़ के निकालता जाऊँगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को तो हम पकड़ नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका जो रिएक्टर होता है उस रिएक्टर में हम लोग D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर ग्रेफाइट के रॉड्स, या फिर हीलियम, ठीक है, हीलियम भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, हीलियम, ठीक है, हीलियम, या फिर कई बार वाटर, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब मीनिंग बेसिकली ये होता है कि ये लोग क्या करता है, फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये उस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है, स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं, ठीक है, मॉडरेटर। मॉडरेटर का बेसिकली मीनिंग होता है जो किसी चीज़ को कंट्रोल करे। अब जैसे नागपुर में जो कोराडी पावर प्लांट है, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स तो उस पावर प्लांट में नहीं हो रहे होंगे प्रोड्यूस, क्योंकि वो एक थर्मल पावर प्लांट है। वहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, वो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कोराडी पावर प्लांट के लिए मॉडरेटर क्या है, वाटर, ठीक है, वहाँ पे उसके लिए मॉडरेटर क्या है, वाटर, वहाँ पे ग्रेफाइट उसका उनका मॉडरेटर नहीं है। तो अलग अलग पावर प्लांट, अलग अलग सेटअप्स, अलग अलग प्लांट्स के अकॉर्डिंग मॉडरेटर चेंज हो सकता है, बट क्योंकि हमारा टॉपिक एक न्यूक्लियर रिएक्टर है इसीलिए मैं इसके अकॉर्डिंग आपको मॉडरेटर बता रही हूँ। तो आपको ये मॉडरेटर के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, मॉडरेटर क्या होता है आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, विदाउट एब्जॉर्बिंग देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट की सीटी में इसको कई बार पूछा जा चुका है, मॉडरेटर की करेक्ट डेफिनेशन के अलग अलग ऑप्शंस कैसा है। कई बार लोगों को लगता है कि मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स की संख्या को ही कम कर देता है, जैसे मान लेते हैं 100 है तो 200 थे तो 100 कर दिया, ऐसा नहीं, वो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है, उनकी संख्या, उनकी क्वांटिटी को नहीं करता। अच्छा, मॉडरेटर, बट मॉडरेटर के अलावा एक और चीज़ होती है, देखो पढ़ो क्या लिखा है, कैडमियम रॉड्स आर इंसर्टेड इन दी मॉडरेटर, पढ़ रहे हो किसकी रॉड, कैडमियम की रॉड या फिर बोरॉन की रॉड, ये बेसिकली वो रॉड्स हैं जो मॉडरेटर के अंदर डाली जाती हैं, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर सिर्फ मैं मॉडरेटर की बात करूँ तो मॉडरेटर के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, बट अगर उस मॉडरेटर में बोरॉन और कैडमियम की रॉड्स है तो आप याद रखिए वो रॉड्स न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगी। खैर, फिर जैसे मैंने बताया कि नागपुर में पावर प्लांट है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती होगी, तो उनके लिए मॉडरेटर काफ़ी हद तक उनके लिए है वाटर, क्योंकि वो उसकी हीट को कम करता होगा। बट यहाँ पे भी तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे हीट के लिए कौन काम कर रहा है, यहाँ पे हीट के लिए अगेन एक ही इंसान काम कर रहा है, बोलो कौन, वो है वाटर। लेकिन यहाँ पे उसको मॉडरेटर वर्ड ना बोलकर इसको कूलेंट बोलेंगे, क्योंकि मॉडरेटर हम ऑलरेडी किसी और के लिए यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे कूलेंट कौन है, यहाँ पे कूलेंट है वाटर। आप उस पर्टिकुलर रिएक्टर के आजू बाजू ठंडा पानी सर्कुलेट करवाते हो ताकि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट की वजह से उसको हीट को कम किया जा सके, ऑल एंड ऑल। तो बस उतना याद रखो कि कूलेंट है, ठीक है, कूलेंट से ज़रूरी नहीं है वाटर लो, D2O भी ले सकते हो, पॉलीफिनाइल्स आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि देखो कैसा है, पानी को जब हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट तो कई इंडस्ट्रीज़ उसी पानी को जहाँ से ठंडा पानी लिया गया है वहीं पर बेसिकली जाकर फेंक देती हैं और गर्म पानी उसी जगह पर। तो ये एक काइंड है वाटर पोल्यूशन का। आप आगे एक मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, सॉल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़, उस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है कि किस तरीके से हॉट वाटर बेसिकली वाटर पोल्यूशन एक है, पोल्यूटेंट है वो एक। तो इसीलिए हम लोग आजकल थोड़ा सा अदर ऑप्शंस की तरफ भी स्विच हो रहे हैं। तो पॉलीफिनाइल, ठीक है, लिक्विड एलॉय,
किसका लिक्विड एलॉय, सोडियम का या फिर पोटेशियम का, ये भी आप एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, बस ख़त्म। कूलेंट कौन है, मॉडरेटर कौन है, बस ये अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना। अब हमारा एक ही टॉपिक बच जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, किसी एनिमल की बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, ये मेडिसिनल पर्पज़ में, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ रेडियो एक्टिविटी को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है उसकी पढ़ाई। एंड टुमारो दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है, कल ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। और कल का जो टॉपिक रहेगा उससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इस पर्टिकुलर चार्ट को तुम अपनी नोट्स कॉपी में बेहतर है आज ही बना के रख लो, कि ये हाफ लाइफ वगैरह याद नहीं रखना है, बकवास है। ये याद रखना है कि क्रोमियम 51 कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, स्प्लीन इमेजिंग। स्प्लीन आई थिंक हमारे बॉडी का एक पार्ट है, सिंस आई एम वेरी पुअर इन बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो आई डोंट नो कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली स्प्लीन, ठीक है। आयरन 59, बोन मैरो, तो बोन मैरो मैंने सुना है कैंसर वगैरह के वक्त, ठीक है। फॉस्फोरस 35 को हम लोग ल्यूकेमिया नामक एक बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60, इसको तो भैया पूरी दुनिया जानती है, कैंसर ट्रीटमेंट, ये तो बल्कि बहुत ही फेमस है। आयोडीन 131 को भी मैं पहचानती हूँ, इसके बारे में भी सुना है थायराइड कैंसर के रिस्पेक्ट में। अगर आपको कभी ट्यूमर्स हटाने हैं तो रेडियम 226, तो ये आप याद रखिए कि कौन सा वाला आइसोटोप किस पर्टिकुलर यूज़ में है, मेडिसिनल यूज़ में है। बाकी तो मैं और भी तुम लोगों को यूजेस बताऊंगी, बट ये मेडिसिनल यूजेस के बारे में हमने बात की। अदर उसके जो यूजेस हैं उसके बारे में हम लोग जब कल की क्लास पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तब करेंगे, ठीक है। बाकी तुम ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कर लो, थोड़ी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्या, सादी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का सवाल है, कर लो प्रैक्टिस, अच्छा होगा, है ना। फिर जो भी न्यूमेरिकल दिखे उसको प्रैक्टिस कर लो, अपनी कॉपी में करो। ये देखो ग्राफ वगैरह बनाने को बोल रहा है, जो भी सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है, अरे बाप रे, यहाँ देखो ना कितने सारे सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है अलॉन्ग विथ आंसर की। तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, तुम्हारी हो गई है पूरी, रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ वो कल का एक टॉपिक बाकी है, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है डेटिंग टाइप का, कि बताइए आज से 200 करोड़ साल पहले उस पर्टिकुलर पेड़ की एज कितनी थी, या 200 करोड़ साल बाद उसके अंदर कितनी एक्टिविटी बचेगी, तो ऐसे टॉपिक को तुम मेरे लिए छोड़ दो, कल हम जब पढ़ेंगे तब। बट ये तुम्हारे रेडियो एक्टिविटी की ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, ये आप कैसा है करके रखो। इसमें जो आंसर्स हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ये सब मत करना, सिर्फ सॉल्व या फिर सिर्फ ग्राफ, इस टाइप के क्वेश्चन को करना। खैर, बुक को बहुत ही आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, हो सकता है तुम में से बहुत सारों ने डाउनलोड भी करके रखा हो, या तो गूगल सर्च कर लेना, या तो ई बाल भारती की वेबसाइट पे जाकर भी ले सकते हो, है ना, किया है तुम लोगों ने ऑलरेडी, तो वहाँ पे कर सकते हो। खैर, अच्छा दूसरी चीज़, मैंने तुमको एस ब्लॉक पूरा पढ़ने के लिए कहा था, मैंने तुमको हाइड्रोजन पढ़ने के लिए कहा था। अभी जो ये जुलाई मंथ है, इस मंथ क्योंकि तुमको बोर्ड्स का भी थ्योरी वाला रट्टा मारना था बहुत सारा, तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं था। बट अगस्त मंथ के लिए अपना जो टारगेट बनाओगे वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बनाओगे, ठीक है, ये वाला आपका टारगेट होना चाहिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, अब जब तुम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करोगे ना, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, बहुत सारे ऐसे नाम आपको सुनने को मिलेंगे, कुछ ड्रग्स के, डेटॉल का स्ट्रक्चर, विटामिन ई का स्ट्रक्चर। तो लास्ट ईयर ही मेंस की बातचीत है, सीधा सीधा एक स्ट्रक्चर बनकर आया था, पूछा गया था, आई थिंक डेटॉल का आया था, बताइए कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ये से BHT का स्ट्रक्चर। तो इसके लिए आप स्ट्रिक्टली NCERT को रेफ़र करिए, चाहे तो इस टेक्स्ट बुक को भी आप साइमल्टेनियसली दोनों टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हो, ये भी क्योंकि काफ़ी अच्छी, वेल, अच्छे से रिटर्न, बहुत अच्छे से राइट की गई है टेक्स्ट बुक। पुरानी टेक्स्ट बुक अगर पिछले साल की हैं अपने बोर्ड्स की, तो वो भी आप ले सकते हो, तो और भी अच्छे तरीके से लिखी गई थी, ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, पुरानी टेक्स्ट बुक और डिटेल में थी। आप इन टेक्स्ट बुक को साइमल्टेनियसली रेफ़र करिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की एक अच्छी सी नोट्स कॉपी बनाओ, है ना। तो अगस्त मंथ का जो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए वो ये आधा महीना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का होना चाहिए। और एक मैं तुम्हें शीट दूंगी एनालिटिकल केमिस्ट्री की, मतलब एलिमेंटल डिटेक्शन की, किस एलिमेंट को डिटेक्ट करना है तो किस में क्या डालेंगे, कौन सा कलर मिलेगा, जिससे पता चले कि हाँ हाँ ये देखो देखो ये तो वही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो ये दो तुम्हारा अगस्त मंथ का टारगेट रहेगा। तो आज का होमवर्क है, रेडियो केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ दिख रहे हैं
ये सफिशियंट है प्रैक्टिस करने के लिए, बस खत्म। इसको कर लिया मतलब आपने ठीक ठीक मेंस लेवल की रेडियो केमिस्ट्री कर ली है। उसके अलावा मैं एक शीट दूंगी संडे के दिन, उसकी एक्सरसाइज 1 निपटा डालना, ठीक है। संडे के दिन पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1 निपटाओ उसकी, ज़्यादा सवाल नहीं है, 26 सवाल है। एक्सरसाइज 2 तुम्हारे एक बार ऑप्शनल है, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और बस एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 ऑप्शनल रहेगी, तुम वो एडवांस के लिए है, क्योंकि करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें तो यही कहूँगी कर ही लो अगर वक्त है तो। अदरवाइज इस चैप्टर को फालतू का उतना भाव देने की ज़रूरत नहीं, इसके बदले दूसरे चैप्टर्स को भाव देना, और एक्सरसाइज 4 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बना लो, ये काफ़ी है, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, कल अपन